ગાંધીનગરના ગોમતીપુર સારંગપુર બ્રિજની નીચેના ભાગમાં આવેલ મકાનમાં અચાનક લિક્વિડનું પાણી પ્રસરી જતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી ત્યારે મેટ્રોના ચીફ જનરલ મેનેજર એએમસીની જાણકારી આપવામાં આવી હતી ત્યારે એએમસી સહિતના પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા સ્થળ પર પહોંચી જઈ સારંગપુરના 12 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળ પર ખસેડવામાં આવ્યા હતા कल रात को अराउंड 8:30 हम लोगों को पुलिस और एएमसी से इंफॉर्मेशन मिली कि सारंगपुर एरिया में एक मिस्टर शेख हैं उनके घर के ग्राउंड फ्लोर एरिया में से कुछ लिक्विड बाहर निकल रहा है हम लोगों ने अपनी टीम इमीडिएटली वहां पर डिप्यूट की और वहां पर हम लोग की टनल बोरिंग मशीन उस एरिया के नीचे से पास हो रही थी जब भी टनल बोरिंग मशीन हम लोग चलाते हैं तो सॉइल को सॉफ्टन करने के लिए एक स्पेशल केमिकल फोम जिसमें कि बेंटोनाइट होता है थोड़ा उसको हम लोग पंप करते हैं जिससे कि टनल बोरिंग मशीन आसानी से सॉइल को रिमूव कर सके और स्लरी के फॉर्म में उसको एक्सकेवेट करके बाहर निकाल सके इस एरिया में जब भी टनल बोरिंग मशीन चलती है उसके पहले हम लोग बिल्डिंग सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वहाँ पर कोई बोर या हैंडपम्प वगैरह तो नहीं क्योंकि अगर कोई भी बोर या हैंडपम्प होता है तो उसको पहले ब्लॉक कर देना पड़ता है अदरवाइज उस होल के थ्रू ये लिक्विड बाहर आ सकता है इस एरिया में कोई भी जो भी थे उनको या तो ब्लॉक कर दिया गया मगर इस पर्टिकुलर घर में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी जब हमारे लोगों ने साइट पे देखा तो ये पाया कि दीवार और फ्लोर के एक कॉर्नर में से लिक्विड बाहर आ रहा था तो उन घर वालों को भी नहीं पता था कि नीचे कोई ऐसा होल है या पाइप है जो कि 15 मीटर नीचे हमारे टनल से कनेक्ट हो गया और वो पैसेज मिलने की वजह से उस एरिया में से लिक्विड बाहर आने लगा रात में ही हम लोगों ने अपनी टीवीएम मशीन को रोक के वो लिक्विड पूरा बाहर जब निकल गया तो अभी हमारा होल जो है उसको ब्लॉक करने का प्रोसेस चल रहा है